भाई से पूछते हैं रिजल्ट पे क्या कहेंगे। हाँ भाई जी, क्या कहोगे आप रिजल्ट पे? क्या कहना? अच्छा है रिजल्ट। फर्स्ट टाइम खा रहे हो ना? हाँ है ना, फर्स्ट टाइम है ना। रेसिपी बताऊंगा, रेसिपी ने मेरे को क्या मालूम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम जा रहे थे रुड़की घर वापस, जैसे कि आपको पता था दिल्ली आ रखा था मैं कोचिंग ढूंढने के लिए सीए की। तो जैसे हम जा रहे थे तो रास्ते में पता लगा कि 12th का रिजल्ट आउट हो गया। बाप रे। तो कार में रिजल्ट देखना शुरू कर दिया और एडमिट कार्ड था नहीं, तो सहेल को कहा था घर पे कि एडमिट कार्ड से मेरा रोल नंबर वगैरह सब पता। तो रिजल्ट अच्छा रहा, ये आप देख लो स्क्रीन पे। देखो मैंने लगा दिया, ऐसा रहा है मेरा रिजल्ट कुछ, क्योंकि तब जब रिजल्ट आया ना कुछ समझ में नहीं आता कि भाई व्लॉग बनाना है कि क्या करना है, कुछ नहीं। बस तब तो मैंने अपना रिजल्ट देखा और आज मैं कर भी नहीं रहा था व्लॉग। फिर मैंने सोचा कि आज रिजल्ट आया तो कोई नहीं, आज व्लॉग कर देता हूँ। तो रिएक्शन वगैरह तो आप मेरा देख नहीं पाए जब मेरा रिजल्ट आया था, और किसी का भी नहीं। बाकी घर पे जाके थोड़ा बहुत कुछ पार्टी वगैरह कर लेंगी छोटी सी, थोड़ा मिठाई वगैरह तो बांटेंगे ही। और हाँ, टीचर से पास भी जाएंगे मिठाई लेके, थैंक यू बोलने उनको सबको। तो मैं सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया, मतलब सबको, नर्सरी से लेके अभी तक 12th में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मतलब सबकी मेहनत है तो 12th तक। तो सभी टीचर्स को थैंक यू सो मच। तो फिलहाल हम जा रहे हैं रुड़की और हम पहुँच गए अभी, मेरठ क्रॉस कर लिया हमने, तो लगभग 2-3 घंटे पहुँच जाएंगे अगर ज़्यादा डाइवर्जन ना कर रखे, क्योंकि कावड़ चल रही है तो काफ़ी ट्रैफिक घुमा रखा है इधर उधर। तो देखो एक ही लेन चल रही है हाईवे की, इधर से जा रहे हैं इधर से ही आ रहे हैं। भाई से पूछते हैं रिजल्ट पे क्या कहेंगे। हाँ भाई जी, क्या कहोगे आप रिजल्ट पे? क्या कहना? अच्छा है रिजल्ट। अच्छा है। मम्मी जी भी बताओ, आप भी कुछ बोलो। बहुत अच्छा है बेटे, बहुत अच्छा है, करते रहो वैसे। और माँ जी भी बैठी है इधर, आगे की तैयारी, आगे भी ऐसे ही करते रहो। इतना कुछ खास रिएक्शन नहीं है क्योंकि पहले हो चुका ना, अब दोबारा से सेम रिएक्शन नहीं आता। बात तो सही है, क्योंकि एक्टिंग तो करनी नहीं यहाँ पे। तो कोई नहीं, घर पे जाके उनका रिएक्शन देखेंगे सजल का। आइए देखते हैं कितने सारे कवर्ड है। हम घर आ गए बहुत दिनों बाद, पूरे 2 दिन बाद आए। सजल गया है डेरे भाई को लेने के लिए, वो आज हाफड़े में ही आ रहा है, तो अब चलते हैं अंदर। तो आ गया भाई, धैर्य भाई भी आ चुका है घर। और सजल आ गया तू? सजल भी आ गया। और बाइक भारी खड़ी कर दे, बाइक भारी खड़ी कर, स्कूल नहीं जाना क्या मुझे? चल बाइक खड़ी कर दे। हम जा रहे हैं अपने स्कूल, टीचर्स ने बुलाया था वो बाकी फोटो के लिए, फोटो तो अब हो चुकी, तो क्योंकि लेट हो गया ना मैं आने में। तो अब कोई नहीं, जाके मिठाई देते हैं टीचर्स को और बाकी मिलते हैं। ये रहा हमारा स्कूल। तो पहुंच गए हम, चलो अंदर चलते हैं, मिठाई देते हैं सब टीचर्स को। तो हमारे स्कूल का एंट्रेंस, और अभी मिठाई दे दी सब टीचर्स। तो अब हम चलते हैं वापस, सब टीचर्स को कांग्रेचुलेशन कर रहे, तो बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लगा, अब चलते हैं बस घर पर। देखो कितनी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस स्कूल के साथ हमारी, बहुत मिस करूँगा इसको। 4th क्लास इस स्कूल में पढ़ा हूँ यार, बहुत मज़े किए हमने, मस्ती की, बहुत कुछ सीखा। बस अब तो दिल्ली रहूंगा, अब तो लक्ष्मी नगर में सीए की तैयारी करेंगे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बाइक में चलाता हूँ अब जाते हुए, सहेल करेगा व्लॉग। टीचर्स कह रही थी कि व्लॉग में तेरा भाई नहीं दिखता, तो मैंने कहा कि इसे पसंद नहीं आना, ये सही है। तो अभी मिठाई ले रहा है ये, 5 जगह 5 कैसे। तो ये ले रहा है मिठाई, अभी हम ले रहे हैं स्पंज रसगुल्ले, ये वाली मिठाई लेंगे। तो ले ली हमने 5 आधे किलो वाली मिठाई, अब 5 टीचर्स के यहाँ जाना है। तो अभी घर पहुँच चुके हैं और फिलहाल खाना खाते हैं और फिर जाएंगे टीचर्स को मिठाई देने के लिए। तो अभी तो दोपहर है, कुछ टीचर्स स्कूल में हैं और अभी सही भी नहीं रहेगा, बैचेज वगैरह चल रहे होंगे सबके, तो थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो मैं आ गया अपने कमरे में ऊपर और देखते हैं अंदर क्या कर रहे हैं। इनको ब्लेड
गया? बस पढ़ाई की, बस पढ़ाई की। सच सच उगलो, मुझे जानी पहचानी सी महक आ रही है। थोड़ी बहुत मस्ती। तो अभी आए वैष्णो, ये बात करते हैं सी कोचिंग के बारे में, ऐसी बात करेंगे, फिर साथ में चलेंगे टीचर्स के यहाँ मिठाई लेने के लिए। तो भाई ये भी 97.2 आए हैं, स्कूल का टॉपर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देंगे। अरे यार तो जब मैं आ रहा था ना, तभी मैंने देखा था लोग तो कराई की तरह, तो और आते कार भी देखा रिजल्ट, तो बिल्कुल सस्ती भी देखी ना। अब जाएंगे हम टीचर्स के मिठाई देने के लिए, तो अच्छा रहेगा, देखते हैं क्या रिएक्शन है। रिएक्शन तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, टीचर्स मना कर देती हैं भाई हमें ना ले, तो इसलिए हम जाते हैं फोर्स करते भी हम बनाते हैं प्राइवेसी इशूज ना। तो मैं घर पे पहुंच चुका हूं, सब टीचर्स को मिठाई दे दी, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि टीचर्स बात करने लगते हैं, पूछते हैं क्या करने वाले हो आगे, कैसा रहा। तो अभी तो घर पे सब बैठे ही हैं, यहाँ पर माँ जी और वर्षा बहन बैठी है, पापा जी अंदर है। यस, हिंदी में बोल सकते हैं आप। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पार्टी के लिए ही आए। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। बन्नी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉट इन दी कैमरा, मस्ती कर रहे हैं सभी के सभी। घुमा घुमा अलाव में घुमाऊं, क्या तमीज। तो भाई देरे भाई और विपुल आए खाने के लिए, ये लाए कबाब। दिख जा। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये रहे हमारे कबाब, और बहुत शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। ये नहीं, ये नहीं ले रहा कोई। ये क्या बदतमीजी है? कैसे लग रहे भाई कबाब? अच्छे लग रहे? फर्स्ट टाइम खा रहे हो ना? है ना, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम। रेसिपी बताओ हमको, रेसिपी, रेसिपी। अरे मेरे को क्या मालूम, ठीक है ना, पहले से बता दिया करो। भाग में तो रिजल्ट आया था आज, बस सेटिस्फाई तो कभी नहीं होना चाहिए अपने रिजल्ट से, और बेटर करूँगा मैं और आगे, जिससे कि और अच्छे मार्क्स ला सकूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।